अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत होंगे, अपनी लाइफ को फुलफिल के साथ गुजारे होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। I can hear the drums in the distance. I can feel the fear, the resistance. Everything can change in an instant. तो आज हमारा बोस्निया में सेकंड डे है सराजीवो में। देख सकते हैं हमने अम्ब्रेला पकड़ी हुई है, बारिश हो रही है इसलिए अभी हम जा रहे हैं खाना खाने। आज फिर कोई और बोस्नियन ट्रेडिशनल डिश ट्राई करेंगे, आपको दिखाते हैं फिर। Trust me, everything can change in a blink. Hearts तो वैसे रेस्टोरेंट पहुँचे हैं, तो अभी ऑर्डर किया था। इसका नाम है, इस डिश का नाम है मीट ग्रिल मीट। तो इसमें डिफरेंट किस्म के मीट हैं और इसमें सैलड वगैरह भी है। तो इसकी प्राइस है अभी 40 मार्केट प्राइस इसकी। तो खाना खाने के बाद सीधा हम गए म्यूज़ियम ऑफ जीनोसाइड, जो कि हमारा बोस्निया विज़िट करने का एक रीज़न ये भी था, ये देखने का कि यूरोप में यहूदियों के बाद सबसे ज़्यादा जो जीनोसाइड किया गया वो था बोस्निया के मुसलमान। और ये किया गया था 1992 से 1995 के दरमियान में, जिसके अंदर तमाम जो बड़ी सुपर पावर्स थी उस वक्त यूरोप की, वो सपोर्ट कर रही थी एक ऐसे मुल्क को जो कि यूगोस्लाविया उस वक्त उसका पार्ट था। 20 मार्च की आपको टिकट मिलेगी। ये यूगोस्लाविया का मैप है जिसमें 7 कंट्रीज़ थी, जैसे मैसेडोनिया, कोसोवो, मोंटीनेग्रो, उसके अलावा बोस्निया, सर्बिया इसका पार्ट हुआ करते थे। सर्बिया ने 1992 में अटैक किया बोस्निया के ऊपर और जो जुल्म किया वो इस तारीख में और किसी ने नहीं देखा। अगर वर्ल्ड वॉर्स के बाद अगर देखा जाए तो बोस्निया में 2 दिन के अंदर 52,000 यानी 52,000 बोस्नियंस को कत्ल कर दिया गया। छोटे बच्चों तक का लिहाज नहीं किया गया, उनको माओ के सामने जलाया गया, उनको गोलियां मार दी गईं। अफसोस इस बात का है कि कोई भी मुसलमान मुल्क आगे नहीं बढ़ा और बोस्निया की मदद नहीं की, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क था। जब इसने जुल्म देखा कि जो सर्बियंस थे मुसलमानों पर बोस्निया में कैसे नस्ल कशी कर रहे हैं, उनको ज़िंदा दफना रहे हैं, उन पर जुल्म कर रहे हैं, एक एक कब्र के अंदर 70 से 80 लोगों को दफना दिया जाता था, ये भी नहीं देखा जाता था कि वो जिंदा है या मर गए हैं। We as Bosnians rely so much on Pakistani people, and we will never forget how much they helped us during this barbar aggression from Serb and Croat to kill all Muslim, innocent Muslim people in Bosnia. And we will never forget how much Pakistani people helped Bosnia. Nice Allah to meet you, sir. And Eid Mubarak. Eid Mubarak. Nice okay. to meet you, sir. ऐसे में पाकिस्तान ने डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन एक ऐसा गोरिला ऑपरेशन स्टार्ट किया जिसे लीड किया उस वक्त के ISI चीफ जनरल जावेद नासिर ने। वेपन्स प्रोवाइड किए गए उस वक्त जवानों को बोस्निया के, और ताकि वो डिफेंस कर सकें। जो कमी थी वो वेपन्स की ही कमी थी। खाना तो किसी न किसी तरह एक लिमिटेड अमाउंट में, आप ये कैंस देख सकते हैं, यूरोप से, फ्रांस से और बाकी ममालिक से आ रहे थे, लेकिन वेपन के लिए पाकिस्तान ने फिर हेल्प की और आहिस्ता आहिस्ता बोस्निया इस हालत में आया कि वो सर्बिया से अपने आप डिफेंड कर सके। आखिरकार यूनाइटेड नेशंस और नेटो को होश आया और उन्होंने सीज़ फायर करवाया इस बोस्निया और सर्बिया के दरमियान में। तो ये जुल्म और जबर का जो एक पीरियड था वो ख़त्म हुआ। तो अब बोस्निया, जिसका कैपिटल है सराजेवो, इसके साथ दूसरी स्टेट है हर्ज़ेगोविना जिसका कैपिटल है मोस्तार, आने वाले व्लॉग्स आप देखेंगे उसके बारे में भी। अभी तक बोस्निया के अंदर पॉलिटिकल इम्बैलेंस है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिन जो है वो बोस्निया के लिए एक अच्छे साबित हो, क्योंकि ये टूरिस्ट रिच कंट्री बन सकती है
क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शंस ऐसी हैं जो अभी तक अंडररेटेड हैं और आप सबको आना चाहिए और इसे विज़िट करना चाहिए, और सच में ये मुल्क बहुत खूबसूरत है। हाँ तो भाई लोग, ये था म्यूज़ियम ऑफ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड जीनोसाइड। अभी ठंड बहुत है क्योंकि अभी बारिश हो रही थी थोड़ी देर पहले, तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, ठंड बहुत है। अगर आपको ये व्लॉग, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा जानने को मिला होगा हिस्ट्री के बारे में, और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी यहाँ आने वाली वीडियो आपको मिल सके। और अब बोस्निया की ट्रिप जा रही है सारी है, बहुत मज़ा आ रहा है, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको इंक्वायरीज बनता तो हमने अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी, यू कैन कॉन्टैक्ट अस विदाउट एनी हेसिटेशन। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए याद दीजिए, अल्लाह हाफिज़। सी माय अल्लाह।